आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं हूं निधि आपके साथ। और आज इस एपिसोड में जो हम बात करने वाले हैं वो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो की। ये वीडियो वायरल इसलिए हुआ है क्योंकि इस वीडियो में नकुलनाथ, जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं, वे कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आ रहे हैं, जहाँ कई लोग उनसे मेल मुलाकात करने पहुँच रहे हैं। वहीं इस मुलाकात के बीच ही तभी एक व्यक्ति आता है और नकुलनाथ से गुहार लगाता है, बाकायदा हाथ जोड़कर, कि दोबारा कमलनाथ को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। और तुरंत रिएक्शन देते हुए नकुलनाथ उस व्यक्ति को चुप रहने का कह देते हैं। चंद सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इसे लेकर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वैसे बीजेपी को एक और मौका मिल गया है हास्य का, व्यंग का। इस वीडियो को लेकर तरह तरह के मीम्स और जोक्स भी शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन असल में बीजेपी नेता और कांग्रेस नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की ओर से इस वक्त उमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जिस वायरल वीडियो की हम चर्चा कर रहे हैं उसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कांग्रेस पार्टी जो है वो एक अजीब से कसमकश से गुजर रही है और उनका अंतर्कलह चरम पर है, जूते में दाल बट रही है। दूर से दूर तक अभी कहीं कोई सरकार परिवर्तन के संकेत दिखाई नहीं दे रहे, पर कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। एक पूर्व मंत्री के यहाँ नारा लगता है कि अब की बार ना राजा ना व्यापारी, अब की बार केवल पटवारी, तो उधर छिंदवाड़ा से आवाज आती है कि हमारा नेता नकुलनाथ। इधर जयवर्धन सिंह जी के समर्थक जो हैं वो पोस्टर लगाते हैं कि अगले मुख्यमंत्री जो होंगे वो जयवर्धन सिंह जी होंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक जबरदस्त घमासान चल रहा है और जिस नेता के समर्थक हैं वो अपने नेता को आकार राष्ट्रीय लग कराने की लालसा में दूसरे नेताओं को नीचे गिराने का काम करते हैं। अभी कमलनाथ जी के जिस वायरल वीडियो पर हम चर्चा कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी के लल्ला जो है वो वहां खड़े हुए हैं, श्रीवत्स सिंह जी खड़े हुए हैं और उनकी उपस्थिति में वहाँ का कार्यकर्ता राघोगढ़ का कहता है कि अब की बार कमलनाथ जी से हमको बचाना जी। इसका सीधा अभिप्राय है कि केवल भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी कमलनाथ जी की कार्यशैली को लेकर असंतुष्ट है और उसका गुस्सा चरम पर है। और सामान्य से कार्यकर्ता की ये जो अभिव्यक्ति है वो इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब कमलनाथ जी की स्वीकार्यता शेष नहीं रही है। जी उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये था बीजेपी का पक्ष। कहा जा रहा है कि नाराजगी सिर्फ जनता तक ही सीमित नहीं है, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है, कमलनाथ को लेकर अभी भी असंतोष है। लेकिन कांग्रेस क्या सफाई देती है इसे लेकर वो भी जान लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम इस वक्त हमारे साथ है। संतोष जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसा कि चर्चा आप सुन ही रहे होंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखिए, किस क्लिपिंग से के आधार पर ये कहा जा रहा है, किसी एक क्लिपिंग के आधार पर यदि कहा जा रहा है तो ये भी कहा जा सकता है कि प्रायोजित क्लिपिंग भी हो सकती है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी ने जिस तरीके से गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। पिछले 15 सालों में जिस प्रकार का जंगल राज मध्य प्रदेश में चला और शिवराज सिंह ने व्यापम और ई टेंडरिंग जैसे घोटालों से मध्य प्रदेश को खोखला कर दिया, कमलनाथ जी ने आते से ही माफियाओं के नकेल कस दी। उन्होंने किसानों के हित में काम किया, उनकी कर्ज माफी की, युवाओं के लिए तमाम योजनाएं बनाई, महिलाओं के लिए कन्यादान की जो राशि थी वो 28,000 से बढ़ाकर 51,000 की। इसके बाद भी अगर कमलनाथ जी के बारे में कोई ऐसा कहता है तो मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। जी संतोष जी, लेकिन अभी के हालात देखे तो भले ही उपचुनाव को लेकर या फिर कांग्रेस के भविष्य को लेकर, अब नकुलनाथ को आगे किया जा रहा है, उन्हें यूथ आइकन के तौर पर लॉन्च भी किया गया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब नाराजगी कार्यकर्ताओं तक है, जनता तक है, तो ऐसे में वे ये जिम्मेदारी संभाल पाएंगे या इस नाराजगी से उभर पाएंगे? नहीं देखिए, कमलनाथ जी की बात अलग है, नकुलनाथ जी यूथ आइकन जरूर है, ऐसे और भी यूथ आइकन है, जयवर्धन सिंह जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे एक ही नेता हैं, वो हैं कमलनाथ जी, और जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता अभी भी कायम है। और वो ध्यान रखिए कि वो जनता द्वारा वो चुने गए थे कमलनाथ जी, शिवराज जी नहीं चुने गए थे। शिवराज जी तो षड्यंत्र पूर्वक सत्ता हासिल करके बैठे हैं, तो कमलनाथ जी की लोकप्रियता में कोई कमी आई मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो देखा आपने कि चंद सेकंड के वीडियो ने किस तरह से सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है और ये वीडियो तेजी से अभी भी वायरल हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आपके सामने हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।